INDIA गठबंधन की बैठक के पहले आज महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार और बीजेपी दोनों पे जम के निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश की सभी माताओं और बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। रक्षाबंधन सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन देश में अब तक ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोच रही हो। एनसीपी में चल रही तनातनी के बीच रोहिणी खडसे को एनसीपी की प्रदेश महिला अध्यक्ष बना दिया गया है। रोहिणी खडसे को विद्या चव्हाण की जगह प्रदेश महिला अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही बीड़ जिले से बबन गीते को एनसीपी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। ये नियुक्तियां एनसीपी के विभाजन के बाद शरद पवार गुट ने की हैं। आपको बता देती हूँ कि रोहिणी खडसे एकनाथ खडसे की बेटी हैं। रोहिणी खडसे सक्रिय सामाजिक कार्यों में शामिल हैं और एकनाथ खडसे के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखी जाती हैं। करोड़ों रुपयों के बैंक कर्ज घोटाले के मामले में DHFL के प्रमोटर्स कपिल और धीरज को जेल में खास सुविधाएं देने के मामले में एक अफसर के साथ ही 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिसकर्मियों पर मुंबई के अस्पताल में इलाज और चेकअप के नाम पे पूरा दिन बाहर रहकर उन्हें ऐश कराने का आरोप लगा है। आपको बता दूं कि इस मामले में जांच के बाद सुविधा देने वाले पुलिस वालों पर गाज गिर चुकी है और मामले को लेकर जांच अभी भी जारी है। दोनों आरोपियों पर देश के 17 बैंकों को 34,614 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को CBI से बड़ी राहत मिली है। CBI ने पांडे की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अब CBI ने इस केस की क्लोजर रिपोर्ट विशेष अदालत में दाखिल कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। CBI ने संजय पांडे की ISEC सर्विसेज कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। आपको बता दें ISEC द्वारा 2 ऑडिटेड स्टॉक ब्रोकर्स का ऑडिट किया गया था। CBI ने यह आरोप लगाया था कि इस ऑडिट में कई गड़बड़ियां पाई गई, लेकिन ज्यादा सबूत नहीं मिलने की वजह से अब CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। भारतीय रेलवे से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका रेलवे खास ख्याल रखता है। इसी कड़ी में अब रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब रेलवे की तरफ से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को किफायती दर पर फूड के पैकेट्स उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो जनरल बोगियों में ट्रैवल करते हैं। उन्हें खास करके किफायती दर पर अच्छा भोजन उपलब्ध कराने के लिए औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा शुरू की गई है।